आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज मैक्स और मैं हूं मुनमुन रहमान, एक बार फिर हाजिर हूं आज की ताजा खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रदर्शनकारियों से बोले एसपी, खाओगे यहां का गाओगे कहीं और का, चले जाओ पाकिस्तान। राजधानी दिल्ली में सर्दी का सितम, पारा 1.4 डिग्री तक लुढ़का। CAA हिंसा मामले में बुलंदशहर में मुस्लिम समाज ने की नुकसान की भरपाई, दिया 6 लाख का ड्राफ्ट। और अयोध्या में धारा 144 अब 25 फरवरी तक रहेगी लागू। और आइए अब तफसील से नजर डालते हैं खबरों पर। मेरठ के एसपी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो शुक्रवार 20 दिसंबर का बताया जा रहा है। वीडियो में मेरठ के एसपी सिटी अखिलेश नारायण लोगों को धमकाते हुए कहते हुए नजर आ रहे हैं, चले जाओ पाकिस्तान, खाओगे यहाँ का गाओगे कहीं और का। ये वीडियो मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके का बताया जा रहा है, जहाँ CAA के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे। इसी जगह मेरठ के एसपी सिटी अखिलेश नारायण और एडीएम कुछ लड़कों का पीछा करते हुए पहुंचे थे। तभी एसपी सिटी ने वहां खड़े लोगों से कहा, जाना है तो चले जाओ पाकिस्तान भैया, खाओगे यहां का गाओगे कहीं और का। आगे उन्होंने गली में खड़े लोगों को धमकाते हुए कहा, ये गली मुझे याद हो गई है और याद रखना, जब मुझे याद हो जाता है तो मैं नानी तक पहुंच जाता हूं, याद रखना आप लोग। इसके बाद वहां खड़े लोग उपद्रवियों के बारे में पुलिस से कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि ये गलत बात है, लेकिन एसपी बार बार लौट कर आकर लोगों से कह रहे हैं कि इस गली में कुछ हो गया तो तुम लोग कीमत चुकाओगे, आना फिर। साथ ही वह अभद्र भाषा और गालियां बोलते भी सुनाई दिए। इस वीडियो में एसपी सिटी और एडीएम यह भी बोल रहे हैं कि काला पीला कपड़ा बांध कर ज्यादा बवाल कर रहे हो। एडीएम भी कह रहे हैं कि ज्यादा काले कपड़े का शौक है, सेकंड लगेगा और सब कुछ यहाँ काला पड़ जाएगा, पूरी जिंदगी काली हो जाएगी। वीडियो सामने आने के बाद अब पुलिस सफाई देने में जुटी है। पुलिस के शीर्ष अधिकारी इसे एसपी सिटी का नेचुरल गुस्सा बताकर उसके बयान का बचाव करते दिखे। पुलिस का कहना है कि कुछ लड़के जो काला कपड़ा पहने हुए थे, वो लगातार पुलिस पर पत्थरबाजी और फायरिंग कर रहे थे, पाकिस्तान के समर्थन में नारे भी लगा रहे थे। उन्हीं का पीछा करते हुए एसपी सिटी मेरठ और एडीएम पूरी टीम के साथ उस गली में पहुंचे थे और फिर सामान्य तौर पर उन लड़कों के ऊपर अफसरों का गुस्सा निकला था। राजधानी दिल्ली में सर्दी ने आज सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के सफदरजंग इलाके में सुबह पारा 2.4 डिग्री, पालम में 3.1 डिग्री, लोधी रोड में 1.7 डिग्री तक लुढ़का। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 120 साल बाद ये सबसे ठंडा दिसंबर है। मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली का आज न्यूनतम तापमान 1.7 डिग्री रहेगा। दिल्ली में कल न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 120 साल बाद ये सबसे ठंडा दिसंबर है। इससे पहले इतना ठंडा दिसंबर का महीना साल 1901 में था। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली पर सर्दी का सितम अभी भी कुछ दिन और जारी रहने वाला है। वायु की धीमी गति, हाई ह्यूमिडिटी लेवल और ठंडे मौसम की वजह से शहर में वायु गुणवत्ता अत्यंत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल दिसंबर का महीना 1901 के बाद से दूसरा सबसे ठंडा महीना रहने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विभाग के एक अधिकारी ने कहा, दिसंबर में औसत अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम 1919, 1929, 1961 और 1997 में रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले सप्ताह हवा की दिशा में बदलाव की वजह से राहत की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार एक शीत दिवस तब होता है जब अधिकतम तापमान सामान्य से कम 4.5 डिग्री कम हो, और गंभीर शीत दिवस तब होता है जब अधिकतम तापमान सामान्य से लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। यूपी के बुलंदशहर में 20 दिसंबर को बवाल का मंजर था, तो वहीं अब शहर में अमन और भाईचारा दिखाई दिया। मुस्लिम समाज के लोगों ने पुलिस को गुलाब के फूल दिए। इसके साथ ही मुस्लिम समाज के लोगों ने हिंसा के दौरान हुए नुकसान के एवज में पुलिस को 6,27,507 रुपए का ड्राफ्ट डीएम को सौंपा और जनपद में अमन चैन बनाए रखने का वादा किया। पुलिस को आशंका थी कि बुलंदशहर में नमाज के बाद फिर से हंगामा हो सकता था, लेकिन पुलिस की आशंका बेबुनियाद साबित हुई। दोपहर 2 बजे तक पुलिस फोर्स और सभी मजिस्ट्रेट मस्जिद के आसपास तैनात थे, लेकिन 2 बजे के बाद मुस्लिम समाज के गणमान्य लोग हाथ में गुलाब का फूल लेकर कोतवाली नगर की तरफ आए और पुलिस को फूल सौंपे।
मुस्लिम समाज के ही अन्य लोग सरकारी संपत्ति के नुकसान के एवज में 6,27,507 रुपए का ड्राफ्ट डीएम को सौंपा। डीएम एसएसपी ने भी मुस्लिम समाज के लोगों की इस पहल की तारीफ की और कहा कि इस कदम की यूपी में मिसाल दी जाएगी। बता दें कि 20 दिसंबर यानी शुक्रवार को कोतवाली नगर क्षेत्र के ऊपर कोर्ट में हुई हिंसा में उपद्रवियों ने पुलिस जीप, पुलिस वायरलेस सेट समेत कई चीजों को आग के हवाले कर दिया था। जिला प्रशासन ने इस नुकसान की कीमत 6,27,507 रुपए बताई थी, जो कि मुस्लिम समाज के लोगों ने इसकी भरपाई कर दी है। अब सवाल ये है कि सरकारी संपत्ति के नुकसान के बाबत जो FIR दर्ज की गई है उस केस का क्या किया जाएगा। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए यूपी के अयोध्या में धारा 144 की अवधि 25 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। ये फैसला स्थानीय प्रशासन ने लिया है। जिलाधिकारी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सभी कार्यक्रमों पर रोक रहेगी, बिना अनुमति के जनपद में कोई कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में धारा 144 को बढ़ाकर 31 जनवरी तक कर दिया गया है। अभी भी 21 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद है। जैसे जैसे हालात सुधरते जाएंगे वैसे वैसे जिला अधिकारी अपने विवेक के आधार पर इंटरनेट सेवा शुरू कर सकते हैं। यूपी पुलिस ने अपने एक बयान में कहा, हिंसा के सिलसिले में 1,246 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 5,558 लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके साथ ही बयान में ये भी कहा गया है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के संबंध में कुल 372 FIR दर्ज किए गए। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने अपने बयान में कहा, उकसाने वाले पोस्ट लिखने के आरोप में 125 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। IT एक्ट के तहत 95 FIR दर्ज की गई है। 20,950 सोशल मीडिया पोस्ट पर भी कार्रवाई की गई। यूपी की योगी सरकार ने यह फैसला किया है कि राज्य में हुई हिंसा की जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम करेगी। पुलिस महानिदेशक OP सिंह ने SIT जांच के आदेश दिए हैं। DGP ने कहा कि प्रत्येक जिले में SIT जांच की अगुवाई एडिशनल SP रैंक का अधिकारी करेगा। नए नागरिकता कानून और NRC को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इसे लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं कई तरह की चिंताएं भी लोगों के बीच हैं। इसी बीच कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें बताया गया है कि नरेंद्र मोदी सरकार की योजना NRC भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों को प्रभावित कर सकती है। 18 दिसंबर की इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि आजाद भारत के इतिहास में ये पहली दफा है जब देश की स्वाभाविक नागरिकता प्रक्रिया में एक धार्मिक मापदंड जोड़ा गया। कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस अमेरिकी कांग्रेस का एक स्वतंत्र रिसर्च विंग है, जो समय समय पर सांसदों की जानकारी के लिए घरेलू और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर रिपोर्ट तैयार करता है। हालांकि इसे अमेरिकी कांग्रेस की आधिकारिक रिपोर्ट नहीं माना जाता। कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की संघीय सरकार की योजना NRC के साथ नए नागरिकता कानून CAA से भारत में करीब 200 मिलियन मुस्लिम अल्पसंख्यक प्रभावित हो सकते हैं। नए नागरिकता कानून के अनुसार गैर मुस्लिम शरणार्थी जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत में 31 दिसंबर 2014 तक आए, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। ये एक्ट भारतीय संसद के दोनों सदनों में पास हुआ, उसके बाद से इसे लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शन के हिंसक रूप लेने के कारण अब तक कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में कई प्रदर्शनकारियों की मौत भी हो चुकी है। तो ये थी आज की ताजा खबरें। कल फिर हाजिर होगी न्यूज़मैक्स के बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।